हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। शेयर मार्केट के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आईटीसी लिमिटेड की। तो दोस्तों, हम सबसे पहले न्यूज पे चलेंगे, देन एनएससी की साइट पे चलेंगे, देन चार्ट पे चलेंगे, देन ऑप्शन चेन पे चलेंगे, और चारों चीज़ों को मिला के हम डिस्कस करेंगे कि आगे आने वाले दिनों के लिए इसका टारगेट प्राइस क्या हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर हिट कीजिए, जिससे इस तरह की आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सी, ये हम टिकर टेप की साइट पे आ गए हैं। ये कंपनी तो आपको थोड़ा मालूम ही होगा, थोड़ा ओवरव्यू देते हैं। इंट्रेंसिक वैल्यू करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रेंसिक वैल्यू, मींस ये बोल रहे हैं कि जितनी भी इस कंपनी की एक रियल वैल्यू होनी चाहिए जो मार्केट प्राइस रिफ्लेक्ट नहीं करता, और इसका करंट शेयर प्राइस उससे कम दिख रहा है। रिटर्न से एफडी रेट्स अच्छा है, एफडी से डिविडेंड स्टॉक, डिविडेंड देने वाली कंपनी अच्छी कंपनी है, तो डिविडेंड ही 4-5 साल से दे रही है, लेकिन स्टॉक के प्राइस में कुछ ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। अब यहाँ पे फोरकास्ट देख लेते हैं। 36 एनालिस्ट जो बोल रहे हैं कि आउट ऑफ 36 एनालिस्ट की 83% में लगभग 18 से 20 लोग बोल रहे हैं, 20 के 25 लोग बोल रहे हैं यहाँ पे इस शेयर को बाई कर सकते हैं। हाई रिटर्न एक्सपेक्टेशन है, ये जो ये 17.7 लगभग 18% का रिटर्न दे रहा है, जबकि इंडस्ट्री जो है इससे कम दे रही है। फोरकास्ट बता रहे हैं कि हाई अगले एक साल तक का टारगेट 365 रुपये बताया जा रहा है, अप्रैल 2022 तक का, मीडियम 259 रुपये। मेरा मानना है कि इससे जो है अगले एक साल में कहीं अच्छा प्राइस देखने को मिलेगा अगर शेयर चल गया तो। दोस्तों, क्योंकि आपको मालूम है कि पिछले 2-3 साल से शेयर में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। हर बार मैं सुनता हूँ कि अच्छा शेयर है, बढ़ेगा, अच्छा मैनेजमेंट है, प्राइस अच्छा दे रहा है, मीन्स क्वार्टर भी अच्छा दे रहा है, लेकिन शेयर प्राइस में कुछ ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं आ रहा है। लेकिन इंडस्ट्री में बज ये है कि कभी भी ब्रेकआउट दे सकता है अगले 4-5 साल का, जो पिछला जो है ये एक रिटर्न नहीं दे पाया शेयर में, वो आगे आने वाले दिनों में एक ब्रेकआउट करके दे सकता है। तो दोस्तों, अब हम न्यूज पे चलते हैं। सबसे पहली न्यूज है कि एनसीएलटी अप्रूव्स अमलगमेशन ऑफ सनराइज फूड्स विथ आईटीसी। ये क्या है, थोड़ा न्यूज में देखते हैं। एनसीएलटी, आपको मालूम है कि जो नेशनल ट्रिब्यूनल कंपनी है, लिमिटेड है, जो कंपनियों का इस तरह कॉर्पोरेट एक्शन वगैरह देखती है, तो अमलगमेशन ऑफ सनराइज फूड्स, अमलगमेशन क्या बोलते हैं कि पूरा विलय होना सनराइज फूड्स का, जो है आईटीसी में विलय हो जाना, तो कहीं ना कहीं आईटीसी के लिए अच्छा है। हैज अप्रूव द अमलगमेशन ऑफ इट्स रिसेंटली एक्वायर्ड स्पाइस कंपनी सनराइज फूड्स एंड इटसेल्फ। तो एनसीएलटी ने अप्रूव कर दिया है इसका, अमलगमेशन का, सनराइज फूड का। इन नोटिस टू द स्टॉक एक्सचेंज आईटीसी सेड द कोलकाता बेंच ऑफ एनसीएलटी हैज अप्रूव्ड द अमलगमेशन इफेक्टिव अप्रैल 1, 2021। तो 1 अप्रैल से इफेक्टिव है। तो ये फाइनली न्यूज आ चुकी है कि ये जो है अमलगमेशन कंफर्म्ड है। आईटीसी आशीर्वाद रेंज ऑफ स्पाइसीज हैज स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश एंड द कंपनी इज वन ऑफ द इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ हाई क्वालिटी फूड सेफ स्पीसीज। मीन्स बोल रहे हैं जो कंपनी है ये सनराइज फूड से, इससे जो है काफी फायदा मिलेगा, बिकॉज ये इस ग्रुप का तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में काफी ज्यादा रिच है, ऐसे आईटीसी को प्रॉफिट मिलने की संभावना है। तो दोस्तों, ये तो जब किसी भी कंपनी का अमलगमेशन होता है, मिलती है, तो कहीं ना कहीं जो है दो एक कम मार्केट, कुछ तो मार्केट रहा होगा, वो उसको अगले को फायदा पहुंचाता है। अब यहाँ पे एनएससी की साइट पे चलते हैं। देखिए, 220 रुपए 5 पैसे पे क्लोजिंग हुई थर्सडे के सेशन में, लगभग 0.1% अप था। प्रीवियस क्लोज उसके पहले 218 रुपए की हुई, उससे जो है 220 रुपए पे उस दिन जो है क्लोजिंग हुई। ओपन हुआ 220 पे, उसे कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं था, हाई 220 का, लो भी 217 के आसपास का। यहां से देखते हैं टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड 2,90,72,762, डिलीवरी क्वांटिटी 1,45,00,000, परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 50% की डिलीवरी हुई है, 50% डिलीवरी अच्छी डिलीवरी होती है। तो थोड़ा सा मैं हिस्टोरिकल डेटा पे चलते हैं इसके। सी, 31 मार्च को इसका, 1 अप्रैल को इसका वॉल्यूम था 2,90,000, 31 मार्च को 3,64, उसके पहले आप देखेंगे तो 30 मार्च को 2,77, 29 मार्च को 2,60 और 25 मार्च को 4,06,00,000। ठीक है, तो अगर हम वॉल्यूम वाइज देखेंगे तो वॉल्यूम का पहले ज्यादा वॉल्यूम था। सी देख रहे हैं, 4 लाख, 4 करोड़, 4 करोड़, 7 करोड़, 9 करोड़, 13, देन 4, फिर उसके बाद से वॉल्यूम में थोड़ा कम हो गया है।
19 मार्च के बाद से वॉल्यूम में थोड़ा सा डिक्रीमेंट है, तो शेयर प्राइस में इसलिए बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, डिलीवरी इसकी अच्छी हुई है, 50% की डिलीवरी अच्छी है। लेकिन हम ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे, ब्रेकआउट देखने के लिए सीधा हम चलते हैं चार्ट पे। ये देखिए आरटीसी लिमिटेड, आरटीसी का चार्ट लगाए हुए हैं और ये हम 29/12, एक साल का हम लगभग 3-4 महीने का चार्ट लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, ये है 25/11/2020, यहाँ पे ये है 2/1/2 जनवरी का, ये जो है प्राइस है कितना, 217 रुपये, और लो बनाया था 2/2 जनवरी को, ये जो है एक गैप अप ओपनिंग किया था, 201 पे ओपन हुआ था, 217 हाई बनाया था। फिर 4 जनवरी को सीधा ये जो है 231 रुपये हाई बनाया था, 216 रुपये लो बनाया था। मतलब ये जो है एक बड़ी सी कैंडल, ग्रीन कैंडल, देन अगले दिन एक जो है ग्रीन कैंडल, दिख रही है आपको ना। फिर आगे देखते हैं, एक चीज इसमें ये देखिएगा कि जब भी इसका एक हाई का ये 218 जोन है, लो का ये 206, जैसे ही ये अपने हाई के पास 216-18 पहुंचता है और यहाँ पे फिर से नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर यहाँ गया, यहाँ गया, ठीक है। इसको मैं ऐसे आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, मतलब यहाँ पे जैसे जैसे ये शेयर प्राइस 200 नीचे, 208 इस सपोर्ट के नीचे आता है, इसमें तुरंत जो है एक बाइंग आनी शुरू हो जाती है, और जैसे ये इधर पहुंचता है एक जो है सेलिंग आनी शुरू हो जाती है। तो मतलब इसमें रेंज बाउंड है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो इसमें एक जो फ्रेश ब्रेकआउट होगा यहाँ पे इस वाली प्राइस पे, वो मैं आपको बता रहा हूं, ये प्राइस है आपको 23/3/23 मार्च को 2000, ये 222 रुपए का। तो 222 रुपए का एक ब्रेकआउट होगा और फिर सीधा है 231 रुपए तक पहुंचेगा, और 231 रुपए अगर क्रॉस किया, फिर से देखिएगा 222 का ब्रेकआउट किया, 231 रुपए पहुंचा, अगर इसको क्रॉस किया तो फिर इसके आगे की जर्नी स्टार्ट होगी ऊपर की तरफ, ठीक है। फिर ये ऊपर की तरफ सीधा जाएगा और फिर आगे के टारगेट इसके डिस्कस होंगे। तो अभी मान के चलिए आप जो यहां से निकल के आ रहा है कि इसका पहला रेजिस्टेंस होगा 200, ये वाला 231 रुपए का, 231 क्रॉस किया तो फिर ऊपर की तरफ जाएगा। इसका ऑप्शन चेन पे चल के देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या क्या है। ये देखिए स्पॉट प्राइस है 220 रुपये, 220 रुपये कॉल साइड पे, ये जो है 222 रुपये पे 10,72,000 ओआई खड़े हुए हैं, और लगभग इसे 5% का जो है कॉल राइटिंग हुई है। फिर 225 पे 46,36,000, 5% की कॉल राइटिंग हुई है, और फिर उसके ऊपर 5,24,000, फिर ये जो है 1,08,230 पे। अब मैं आपको बता रहा हूं, सी ध्यान रखिएगा, 230 पे ये कॉल ओपन इंटरेस्ट है लगभग 1 करोड़, ठीक है। ये इसका सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है और यहाँ पे ये पहुंचने की कोशिश करेगा। अगर ये क्रॉस कर गया 230 रुपये, और चार्ट से भी यही देखने को मिल रहा था कि 231 रुपये इसका एक ब्रेकआउट होगा, रेजिस्टेंस होगा, 231 रुपये क्रॉस कर गया 230-231, फिर सीधे आगे की जर्नी स्टार्ट होगी। लेकिन याद कीजिएगा कि ये वाला लगभग 1,08,16,000 ओआई खड़े हुए हैं, और लगभग 10% का इसपे कॉल राइटिंग हुई है थर्सडे के सेशन में, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। ये कट पाना तो मुश्किल लग रहा है शॉर्ट टर्म में, लेकिन अगर क्रॉस कर दिया तो सीधे आगे की तरफ जो है जर्नी स्टार्ट होगी। दोस्तों यहां से सीधा चार्ट से और यहां से ऑप्शन चेन से एक ही चीज देखने को मिलती है कि 230 रुपये का प्राइस इसका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा, 230 क्रॉस किया तब आगे की तरफ ये बढ़ना शुरू करेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।